पांडुर्ना में मधुमक्खियों के काटने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग वर्धा नदी के पास जलाशय पर गेट बनाने का काम कर रहे थे, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से ज्यादा लोग भाग गए, लेकिन 6 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। मध्य प्रदेश लोकसभा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बैतूल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के समर्थन में आमला में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मंदिर पर भाजपा का पट्टा नहीं है, हमने भी इसके लिए चंदा दिया है, यह राम मंदिर हम आपका और मेरा है। तो वहीं शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने के बाद सोनिया गांधी चुनाव मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने भाजपा पर साधा निशाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में पत्रकारों से बातचीत में अनिल ने कहा, बीते वर्षों में एमपी और देश की भाजपा सरकार ने अपनी सत्ता की भूख मिटाने देश के सामाजिक, राजनैतिक, संवैधानिक और आर्थिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। देश के प्रजातंत्र के लिए आज परीक्षा की घड़ी है, हमें पूरा विश्वास है देश की जनता जीतेगी और भाजपा सरकार की हार होगी। भाजपा सरकारों ने किसान, नौजवान, बेटियों, दलितों, पिछड़ों और पहलवानों का अपमान किया है, उन्हें देश की जनता परास्त करेगी। ग्वालियर में बदमाशों ने भाजपा नेता के घर के अंदर घुसकर पिटाई कर दी। मामूली कार साइड करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। फिलहाल पुलिस ने 3 अज्ञात हमलावरों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मारपीट करने वाला आरोपी शैलेंद्र भी भाजपा से जुड़ा हुआ है। कार निकालने को लेकर शैलेंद्र और भाजपा ग्रामीण के सह कोषाध्यक्ष राजा भैया गुर्जर के बीच कहासुनी हो गई। इसके कुछ ही समय बाद आरोपियों ने राजा भैया के घर पहुंचकर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान भाजपा नेता राजा हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फिर अनोखा अंदाज देखने को मिला है। सोमवार को अशोकनगर में चुनावी दौरे के वक्त सिंधिया ने लोगों से पूछा, क्रिकेट के शौकीन कितने लोग हैं यहाँ? चुनाव बाद मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे या नहीं? मैदान मैं तैयार करवा दूंगा। केंद्रीय मंत्री की बातें सुनकर लोग खड़े होकर बोले, हाँ मैं आपके साथ क्रिकेट मैच खेलूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों के साथ हुई बातचीत का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है। सिंधिया ने एक्स पर लिखा है कि क्रिकेट प्रेम हर भारतवासी को जोड़ता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को शाजापुर में जनसभा को संबोधित किया। इसके पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी का नामांकन जमा करवाया। शाजापुर के बस स्टैंड पर आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री बोले, कांग्रेसियों ने राम मंदिर में अड़ंगा लगाया, वह माफी मांगे। अब तक राहुल, सोनिया और प्रियंका दर्शन करने राम मंदिर क्यों नहीं गए?